दोस्तों निंदर को ज्ञान भी वालों सत श्री अकाल प्रवान करो ते खबरां दे पहले हिस्से च कौमी ते कौमांतरी खबरां दी वारी। गुआंढी मुल्क पाकिस्तान तो खबर है, विरोधी धिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दे मुखी शाहबाज शरीफ दा करोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुल्क च कोविड अंकड़ा 1,19,536 नूं अपड़ गया है। PMLN दे आगू अताउल्ला तरार दा दावा है कि शाहबाज नैशनल अक्यूटबिलिटी ब्यूरो अगे पेश हुए सन जिथों उन्होंने ये लाग लगी है। इस्लामाबाद ते नवी दिल्लियों रली मिली खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वालों बीते दिन भारत को वित्तीय मदद देने की की पेशकश को भारत सरकार ने हासोहीणा करार दिता है। खान ने बीते दिन ट्विटर ते खबर दे हवाले नाल कहा सी कि भारत दे करीब 34% लोग मदद बिना एक हफ्ता भी नहीं कट सकणगे, इसलिए वह मदद देने लई तैयार ने। इमरान खान दा इस ट्वीट कारण सोशल मीडिया उत्ते भारतीयों ते पाकिस्तानियों ने खूब मजाक उड़ाया है। नवी दिल्लियों एक होर खबर, विदेश मंत्रालय ने आख्या कि भारत ते चीन सरहदी विवाद दे शांति नाल फौरी हल लई फौजी अते कूटनीतिक पद्धर ते गलबात कर रहे ने। हफ्ते च एक बार फिर मीडिया नाल गलबात दौरान विदेश मंत्रालय दे तर्जमान अनुराग श्रीवास्तव ने दोवें मुल्कां वल्लों पूर्बी लद्दाख की गलवान वादी ते होरना इलाकियां चों पिछले कुछ दिनों तो फौजां पिछे हटाउण दीआं रिपोर्टां बारे पुछे गए सवाल का जवाब नहीं दिता। उन्होंने कहा कि 6 जून को भारत अते चीन दे कोर कमांडरां विचकार बैठक हुई सी। खबर काठमांडू तो है, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने आख्या कि उन्होंने सरकार काला पानी मुद्दे का हल सफारती यत्न राही लभेगी ते भारत नाल इस बारे किए जाने वाला संवाद इतिहासक तत्थां ते दस्तावेजां ते आधारित होगा। लंडनों खबर है, बरतानिया के प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग दी ने पत्नी महाराणी एलिजाबैथ दूजी नाल अकल्या ही अपना जन्मदिन मनाया। लॉकडाउन कारण फिलिप ते उनकी पत्नी मार्च तो ही एकांतवास में रह रहे ने। बकिंगम पैलेस ने शाही जोड़े दी नवी फोटो साझियां कीतियां जो विंडसर कैसल च 1 जून को खिंचिया गई सन। परिवार पाबंदियों कारण जूम और होर ऑनलाइन माध्यमों राही एक दूजे के संपर्क च ने। नवी दिल्लियों खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खबरदार करदे आख्या है कि फसलों का समर्थन मुल घरेलू ते कौमांतरी कीमतों नालों कितें वाधा है जिस नाल मुल्क च आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने जोर दिता है कि देश के अर्थचारे ते पैण वाले माड़े असर तो पहला ही कोई बदलवा हल लभ्या जाना चाहिए। उंज पिछले दिनी सरकार वालों झोने समेत सौनी दीआं फसलों के समर्थन मुल च वाधा किया गया सी जिसनों किसानों ने निगूणा करार दिता है। गडकरी ने पंजाब ते हरियाणा समेत कुछ सूबियां च फसली चक्कर दे बदलाव ते जोर दिंदिआं कणक ते झोने दा रकबा घटाउण वास्ते आख्या है। नवी दिल्ली तो रिपोर्टां, देश च करोना वायरस लाग दे एक दिन विच रिकॉर्ड 99,96 केस सामने आउण मगरों हुण तक करोना पॉजिटिव केसां दी कुल गिनती 2.86 लाख नूं टप गई है। वायरस की लाग करके दम तोड़न वालिआं दी गल करिए तां पिछले 24 घंटिआं च रिकॉर्ड 357 होर मौतां नाल अंकड़ा वध के 8102 हो गया है। लगातार अज 8वां दिन है जदों 9500 तो वध केस रिपोर्ट होए ने ते लगातार दूजे दिन सरगर्म केसां नालों सेहतयाब होण वालिआं दी गिनती वध है। सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़िया मुताबक करोना के सरगर्म केसां दी गिनती 1,37,448 है ते भारत हुण महामारी दे संकट दे विच सब तो वध प्रभावित मुल्कां दी सूची च पहला 7वें थां ते सी, फिर 6वें ते आया ते हुण 5वें स्थान पर चला गया है। राजस्थान की गल करिए अज करोना कारण उत्थे 4 मौतें हुई हैं। पंजाब की गल करिए जलंधर वासी औरत की करोना कारण लुधियाना के DMC मौत हुई है। संगरूर में अज एक होर करोना कारण दूसरी मौत हुई है। अज पठानकोट 4 करोना मरीज ठीक हुए जो घर भेजे गए। बठिंडा अज 3 लोग ठीक होकर घरी गए। मोहाली में अज 3 करोना केस नवे आए। अमृतसर में एक थानेदार करोना होने की खबर है। अमृतसर साहब तो खबर, शहर च करोना मरीजों की गिनती वधन मगरों प्रशासन वालों ऐलाने गए कंटेनमेंट जोन च पिछले कुछ इलाकों के लोगों के करोना तो टेस्ट कराने ना कर दी है। सेहत विभाग औखा हो गया तो दुचिती च है। प्रशासन ने बंबे वाला खूह, कटड़ा भाई मोती राम, कटड़ा परजा गंज की मोरी, कटड़ा चरत सिंह ते होर कदानंद वाली इलाकियां गलियां ते कंटेनमेंट जोने ऐलाने हुए ने। इन इलाकों में वड्डी गिनती च करोना पॉजिटिव केस सामने आए जिस कारण इलाके सील कर दिते गए। पंजाब के फिरोजपुर विच अज करोना ने फिर तो दस्तक दे दिती है। एक मरीज़ की पुष्टि हुई है।
जलंधर में एक होर कोरोना मरीज़ की रिपोर्ट जी पॉजिटिव आई है। अज हुशियारपुर दो होर मरीजों की पुष्टि हुई है। निंदर कुगयानवी तो तुसी खबरों का पहला हिस्सा सुन रहे सी, दूजा हिस्सा भी तैयार है। फिलहाल वारी कुछ एक संदेशों की। दोस्तों खबरों का दूजा हिस्सा पेश करदा निंदर कुगयानवी, चंडीगढ़ तो खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सेहत माहरां नूं कहा है कि कौमी राजधानी दिल्ली तो आने वाले लई टैसट सर्टिफिकेट लाजमी किया जाए। दिल्ली तो आने वाले उत्ते सख्त रोक लाए जाने का फैसला किया पंजाब सरकार ने, क्योंकि दिल्ली तो रोज़ाना औसतन 500 से 800 वाहन आते हैं पंजाब च। वड्डे कट रोकने की डी जी पी नूं सख्त हदायत की गई है। मुख्यमंत्री केसां दे दुगने होने के समय चाहे विगाड़ नूं वेखण मगरों खासे फिक्रमंद ने। सेहत विभाग वालों पेश किए अनुमान अनुसार पंजाब अंदर इस महामारी की सिखर हाले आनी है। जेकर केसा के दुगने होने का समा सीमा घटन का रुझान रहा तो यह अगस्त के अंत में पीक तक करोना पंजाब चली जाएगी। सुनिचर ते ऐतवार दो दिन पंजाब मुकम्मल तौर पर बंद रहा करेगा। लॉकडाउन होर वध्या और सिर्फ मैडिकल सेवावान ही दित्तियां जाएगियां। चंडीगढ़ों खबर, पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग 16 जून में हो रही है, जिस विच नवी शिकायत निवारण नीति बनाए जाने की संभावना है। पिछली कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह काफ़ी अरसे मगरों मंत्रियों के रूबरू हुए सन और जी 16 नू मीटिंग होनी है, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए दोपहर 3:30 बजे ये मीटिंग होएगी। वेरवे दसते हैं कैबिनेट मीटिंग शिकायतों के नबेड़े बाबत नवे प्रबंध लई नीति बनाए जाने की संभावना है। पंजाब सरकार हुण बेरोजगारों नूं लभण लगेगी जो लेबर के तौर पर काम करन दे चाहवान है। हर ज़िले में रुजगार के टीचे दिए गए हैं तां जो घर घर रुजगार के नारे नूं हकीकत बनाया जा सके। पंजाब सरकार तालाबंदी दौरान प्रवासी कामियां की हिजरत मगरों हुण सरकार हज़ारां मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करेगी जो सनती ते खेती सैक्टर च प्रवासी कामियां दे खप्पे नूं पूरनगे। कोरोना संकट कारण श्री हेमकुंड साहब की सालाना यात्रा शुरू करने बारे फिलहाल कोई फैसला नहीं होया। मौजूदा स्थितियां मुताबक यह सालाना यात्रा इस बारे होने की संभावना मध्यम है। भावें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से वक्-वक् सूबों में श्रद्धालुओं वास्ते धर्म स्थान खोल दिए गए और श्रद्धालुओं की आमद भी हो चुकी है, पर गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू करने बारे सरकार ने कोई हुंगारा नहीं दिता। चंडीगढ़ों खबर, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने पार्टी अहुदेदारां की दूजी सूची जारी की है। पार्टी के सकत्तर जनरल का अहुदा बलविंदर सिंह भूंदड़ नूं दिता है। पहला यह अहुदा साबका संसद मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा कोल सी। जानकारी अनुसार पार्टी के सीनियर आगुआ सुखदेव सिंह ढींडसा से जथेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के अकाली दल चो बाहर होने मगरों सुखबीर बादल वालों नवी टीम बनाई गई है। अमृतसर साहब तो खबर, अमरीकी फौज में पहली सिख औरत वजो चुने जाने उत्ते अनमोल कौर नूं श्रोमणी कमेटी ने वधाई दी है। अनमोल कौर नारंग वैसट पॉइंट आर्मी अकादमी USA तो ग्रैजुएशन करके अमरीकी फौज भर्ती हुई है। उसकी इस प्राप्ति से श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने वधाई दी तो कहा कि उसकी प्राप्ति कौम लई वड्डे माण वाली गल है। उन्होंने कहा कि देश विदेश में सिखां वल्लों मसाली मल्लां मारियां जा रही ने। पानी की कमी तो घट रही जी झाड़ दी चंबे, किसान ऐतकी कई बदलवी तकनीक राही झोना लाने को तरजीह दे रहे हैं। ऐतकी झोना ट्रैक्टर नाल लाया गया। इस बार सीधी बिजाई के नाल कुछ किसानों वटा ते झोना ला के कद्दू नाल हुंदी रवायती बिजाई तो किनारा करना पिया। इस तकनीक नाल पानी की बचत ते झाड़ वधन की उम्मीद जताई जा रही है। बख्तगढ़ पिंड के बलजिंदर वालों इस वारी अपनी 35 एकड़ चो 2.5 एकड़ जमीन च वटा ते झोना लाया गया है। पहली बारी होया इस तरह, इलाके विच इस तरह की पहल कर दी गई। झोना लाने की विधि बारे उसने यूट्यूब राही जानकारी हासिल करके एक कदम चुकिया। पंजाब के मौसम की गल करिए, इस तो पहले तुहानू लै चलदे आ पिंड सुधार च। बिहार के प्रवासी मजदूरों नूं लैण लई 3 दिन पहला भेजिया बसां दी किसान बेसबरी नाल उड़ीक कर रहे हैं कि उधरों आउण ते झोना लाउण। कोरोना महामारी कारण मजदूरों की कमी नाल जूझ रहे किसानों नूं इस बार झोने का सीजन काफ़ी महंगा पैंदा दिखाई दिंदा है। किसानों ने दस्सिया है कि जिहड़े प्रवासी मजदूर कई सालों तो बिहार या उत्तर प्रदेश के खेती के कामों लई आउंदे रहे सन, उन्होंने संपर्क च ने। यह मजदूर हर साल खुद ही रेल गड्डिया राही आते सन, पर हुण फोन के उत्ते संपर्क करके इन्हों सीजन से वापस बुलाने वास्ते चाराजोई करनी पै रही है। बसों की गल करिए, सवारियों की बहुतात ते लारियां की घाट लोगों रेलां याद करवा रही है। उंज बसा तो चल रही हैं टावियां टावियां, पर चढ़दा को नहीं टाइम घट ने। करोना निजम छिके टंगे जा रहे ने पंजाब च। कारां लोगों वारा नहीं खांदियां, 3 जणियां तो वध होने की सूरत च मोटे चलान भी भुगतने पैंदे है। बठिंडा तो रोजाना हज़ारां कर्मचारी आस पास के 100 किलोमीटर के घेरे तक ड्यूटी करते हैं। इन्हों तो बहुत आवाजाई का सस्ता तो वधिया साधन रेल गड्डी है।
तालाबंदी दौरान रेलों ते बसों का चक्का जाम होने कारण इन्हां दी मजबूरी का साधन निजी वाहन बने जो महंगे पए। बसों की बेयकीनी वाली समा सारणी ते वधेरे सवारियां होने करके मुलाजम इन्हां नूं पैर पाउण तों बस चकन्नी कतराउंदे आ। मौसम पंजाब च अज कई थाई मीह पिया, कई थाई नेरी झुली, कई थाई धुप रही। पंजाब चौं कुछ थावां दे उत्ते हनेरी ने खासा नुकसान भी किया और मौसमी माहर कहिंदे आ कि हल्के तो दरमियाना मीह कुछ घंटिया में पंजाब च पुज रहा है। बरसाती गतिविधि टुटवी रहेगी, हनेरी भी वगदी रही अज, पर गर्मी तो राहत मिलन दे पूरे पूरे आसार दसे गए ने। नेंद्र कुग्यानवी तो तुसी खबरां दा दूजा हिस्सा सुनिया। खबरां मुक्तियां दिओ इजाजत, आपां मिलांगे कल। तद तक लई रब राखा, अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत शुभकामनावां।